दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। दैनिक हरियाणा की हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे दिन साथ में सम्राट यादव के साथ में हैं, जो गांव-गांव में अपनी यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में अपना दौर कर रहे हैं, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है। दूसरा आज एक त्यौहार है जो करवा चौथ का है। पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आज का त्यौहार है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आप क्या कहना? जितनी भी अपनी माताएं हैं और बहनें हैं हमारी, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। और जितने भी हमारे भाई साहब हैं उनसे भी एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जब व्रत तोड़ने जाएंगे तो मिठाई का डब्बा भी जरूर लेके जाएं हमारी बहनों के लिए और माताओं के लिए। यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा जनसैलाब भी आपके साथ में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं? कल सबसे पहले तो हमने डोर टू डोर किया था, सेकेंड फिर हमने चुनावी प्रचार किया, चुनावी सभाएँ करी, फिर अभी थर्ड जो पैटर्न हमारा चल रहा है, कल 21 गाँव का हमने यही अपना चुनावी दौरा किया ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर इसलिए लिया सिम्बॉलिक एक कि हर कोई किसान, लेफ्ट दिखाइए एक बार भाई साहब, लेफ्ट दिखाइए, किसान का ट्रैक्टर एक तरफ और एक तरफ ये हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमारा यहाँ का जो 80% जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है खेती। खेती के लिए ये है इनका बच्चा। जैसे पहले पुराने ज़माने में ऊँट होते थे, बड़द होते थे, आज के दिन ये हमारा किसानों का जो आप कुछ भी बोल लीजिए एक तरह से बालक हो गया। हाँ, एक तरह से अंतर है किसानों का कि वो अपने इससे खेती करते हैं। तो आज हमने 21 गाँव का दौरा भी हम 16वें गांव के अंदर है। अच्छा, जैसे कि कल दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, जो रमेश पालड़ी उनको लेके आ रहे हैं, क्या आपके यहाँ अटेली में भी पहुँचेंगे? अभी मैं सुबह 4 बजे से प्रोग्राम्स के अंदर हूँ जी। अभी मेरा ऑफिस से एक बार भी संलग्न नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हो पाई है जी जी। तो जैसे ही उनसे बात होगी मैं आपको जरूर कंफर्मेशन दूँ। महानुभाव है, जो बड़े बड़े जो कैंडिडेट है बीजेपी के, जो नेता है, दिग्गज नेता है, वो चल रहे हैं, आ रहे हैं और अपने यहाँ पर आने के बाद में रैली कर रहे हैं। क्या ये डरे हुए हैं या इनको अपनी हार नज़र आ रही है या अपनी जीत के लिए आ रहे हैं? भाई साहब, जब कोई ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि रैली के लिए ये बुला लो, अभी यहाँ 19 तारीख की जहाँ तक मैंने सुना रेवाड़ी में रख रहे हैं प्रधानमंत्री साहब की रैली, वो क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है? या तो उनको डर है कि क्षेत्र के अंदर उनका प्रभाव कम है, या उन्होंने काम नहीं किया और बरगलाया जाता है, इस चीज़ का डर है। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, हमारे को अपने काम पे विश्वास है, हमारे को हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो पे विश्वास है। जो खर्चा बढ़ रहा है, क्या ये एक आम आदमी की जेब के ऊपर पड़ने वाला है क्या खर्चा? भाई साहब देखिए, चुनाव के अंदर अभी टिकटों मिलने से पहले इतने बड़े बड़े लोग भाजपा की टिकटें मांग रहे थे, कहाँ हैं वो? जी जी, कहाँ हैं वो? जैसे कि वो गायब हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारा धनाढ्य आदमी दे, इतना फालतू का पैसा उन्होंने खंभों पे लगा डाला जी जी। इतना अगर 10-20% अगर गाँव में लगाते लोगों की, किसी भले किसी बढ़िया कहीं ऐसे लगाते कि जहाँ पे जरूरतमंद आदमी को कहीं मदद करते किसी भी तरह से आर्थिक रूप में, या कुछ भी ऐसा करते जो वो धर्मार्थ में जाता, आज के दिन दिख नहीं रहे हैं, गुम हो गए, छुप गए हैं। डरना क्या, लोगों के बीच में आओ, चुनाव लड़ो, अपनी बात रखो, जिंदा हो तो जिंदा दिल दिखो, लोगों में आओ, बीच में रहो।